हे गाइस, वेलकम बैक टू आईपीएफ गेमिंग। तो फ्री फायर का नया अपडेट आ गया और इसमें बरमूडा को कर दिया गया थोड़ा चेंज। बरमूडा रीमास्टर्ड मैप ऐड किया गया, तो आज मैं बरमूडा रीमास्टर्ड में खेल रहा हूँ क्लैश स्क्वाड रैंक मोड में। और मैंने ले लिया लॉन्ग स्कोप गन, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, बट ये मैप थोड़ा लंबा है इसलिए मैं लॉन्ग स्कोप ही लेके खेल रहा हूँ। तीनों लोग उनके सामने से ही आ रहे हैं और मैंने दो को डैमेज कर दिया है। एक 33, एक और 33, और ये एक प्लेयर को नॉक कर दिया मैंने। अब बट मेरी हेल्थ जा रही है, अब हट जाता हूँ यहाँ से, थोड़ा हील कर लेता हूँ। एक प्लेयर पीछे से आ गया, शिट शिट शिट। ये बड़ी दिक्कत है इस गेम में, मैं स्कोप करके मार रहा हूँ तब नहीं लग रहा। ये 45 45 के तीन चार डैमेज खा चुका है प्लेयर और मैं नॉक हो गया। हमारे प्लेयर्स कोशिश तो कर रहे हैं बट आई डोंट नो क्या होगा। 1v1 हो गया। अच्छा, दो प्लेयर्स को फिनिश कर दिया है मेरे प्लेयर ने। या रिवाइव कर दे, 2v1 हो जाएगा। ओके, रिवाइव करने के लिए आ रहा है मुझे, वो रिवाइव कर दिया मुझे। और पीछे से गोली पड़ी है लेफ्ट साइड से। आई थिंक वो राइट से घूम के आ रहा होगा क्योंकि अभी तक लेफ्ट से आना होता तो आ चुका होता, वहाँ से जोन जा चुका है। और ये बहुत ही अजीब सी बात, मैं मेरा स्कोप उसी के ऊपर है लेकिन लग नहीं रहा, और हिप फायर में आराम से लग गया। यही लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता, हिप फायर में गोली आराम से लग रही है और स्कोप कर रहा हूँ मैं तब नहीं लग रही है। चलिए कोई नहीं, 1-0 से हम ये वाला राउंड अप हो चुके हैं। अब ये थोड़ा छोटा मैप है और नया मैप ऐड हुआ है, तो उसके लिए मैं MP5 ले लेता हूँ और ग्लू वॉल्स बाकी पैसे की। आई थिंक मुझे ऑटो एम ऑफ करके खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा कि कैसा होता है वो। ओके, दो तीन प्लेयर्स हमारे राइट से जा रहे हैं, एक बंदा कंटेनर में दिखा है मुझे। ओ फक फक, ओ मैं नॉक हो गया। एक बंदा कंटेनर में दिख रहा था मुझे, उसने मार दिया मुझे। तीन प्लेयर्स नॉक हो चुके हमारे, एक और को नॉक कर दिया बट अब पीछे से भी आ गया। आई डोंट थिंक अब ये राउंड गया, तो 1-1 से बराबर कर लिया उन्होंने राउंड। बहुत अच्छा कमबैक किया, उनके चारों प्लेयर ज़िंदा थे। ओके, वो ये वही वाला पुराना मैप, तो फिर से मैं MP5 लेता हूँ, शॉर्ट मैप है और अब पैसे ही नहीं बचे हैं ग्लोबल या कुछ भी और लेने के लिए। कोई सामने से दिख ही नहीं रहा था हुआ, एक प्लेयर दिखा है मैंने, उसको दिया है 40-50 का डैमेज। मेरे प्लेयर भागते भागते एकदम दूसरे के पाले में पहुंच गया, फिर से डैमेज दिया मैंने लगभग 50 का। बट अब भी अब 1v2 हो जाएगा वहाँ पे क्योंकि सारे के सारे प्लेयर उनके वहीं पर हैं। हमारे प्लेयर अकेला चला गया बेचारा वहाँ पे। ओके, एक पीछे से आ रहा है, मैंने हेडशॉट लगा उसे लेकिन आई थिंक वो रिवाइव कर लेगा अपने आप को। बहुत ज़्यादा हेल्थ चली गई थी उसकी, उन्हीं साइड से घूम की कोशिश करता हूँ। और यही मुझे इस गेम गन का पसंद नहीं है क्योंकि ये वाली गन का रिकॉइल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं फमास पसंद करता हूँ। बहुत से लोगों को फमास पसंद नहीं आती है बिकॉज उसको हिप फायर में चलाना थोड़ा मुश्किल है कम्पेयर टू अदर गन्स, लेकिन मुझे तो सबसे ओपी लगती है वो गन। ओ, दो बंदे को, ओह शिट 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 शिट, मुझे पीछे से पड़ रही है गोली। हील हील हील, उसके बैग में बहुत सारा सामान था, कुछ लेना है मुझे, अभी जाके चेक करता हूँ। ओके, शॉटगन ले लिया है, राइट की तरफ चला गया, दो दो गोली मार दी मुझे उसने। पीछे चले जाता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक पीछे से जगह ज़्यादा मिलेगी। वैसे वो राइट में लग रहा है मुझे, दिख तो नहीं रहा है यहाँ से कोई। हाँ, राइट में ही होगा फॉर श्योर, लेफ्ट में तो कोई दिख नहीं रहा।
पर राइट में गया कहाँ, वो बिल्डिंग के अंदर चला गया। ओ लेफ्ट से कब आया ये, दिखाई नहीं मुझे। 2-1 से डाउन हो गए हम लोग इस राउंड में। ओके मिल राउंड स्टेयर्स वाला है, फिर से ले लेता हूँ मैं MP5 और इस बार ग्लू वॉल ले लेता हूँ। बहुत सारी छोटा मैप है तो उसमें ग्लू वॉल काम आएगा, पैसे भी हैं अभी ग्लू वॉल लेने के। तो ये मुझे ट्रक बड़ा सही लगता है, ट्रक के पीछे छुप के गोली चलाते रहो। एक बंदा नीचे कूदा उनका, एक ऊपर वाले की मैंने 150 हेल्थ ले लिया ऑलमोस्ट, तो फिर प्लेयर नॉक होने लगे। ये राउंड गया तो गेम गया यार, कुछ करो करो लड़को। फिर से बहुत सारी हेल्थ ले लिया मैंने, ये पता नहीं कैसे बच जा रहा है, अमृत खा के आए हैं। वो प्लेयर हमारे रिवाइव हो गए और उनके नॉक हो गए, वाह वाह ज़बरदस्त लड़को ज़बरदस्त। ओके एक प्लेयर को फिनिश कर दिया, एक को नॉक कर दिया। ये यहीं पर दिखा रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ पर है। ओके दो प्लेयर्स को नॉक कर दिया मैंने। ये लेफ्ट, अबे यार ये रिफ्लेक्स एक्शन में डालना पड़ेगा ग्लू वॉल लगाना। ग्लू वॉल लगाने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मैं, और ये ना यही राउंड चले जाता है अपने हाथ से। ओके शॉटगन से राउंड जीत लिया है मेरे प्लेयर ने, तो 2-2 से बराबरी कर लिया है। और MVP मैं ही रहा राउंड का, तो मार्स इलेक्ट्रिकल इसमें लॉन्ग रेंज गेम होगा। लॉन्ग रेंज के लिए एक MP5 तो आई थिंक रखनी चाहिए, और एक स्नाइपर ले लेता हूँ। स्नाइपर से नॉक करके MP5 से फिनिश कर दूँगा। कोई आ ही नहीं रहा लेफ्ट से, सब राइट से आ रहे हैं क्या लड़को? कोई आ ही नहीं रहा लेफ्ट से, दिख ही नहीं रहा कोई, लग रहा है सब राइट से आ रहा है। ओके सामने 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 नाच रहा है, हाँ नाच रहा है उनका प्लेयर। प्लेयर नॉक हो गया मेरा। फोर थ्री हो रहा है, 4-3 है। हाँ दो दूसरा प्लेयर भी नॉक हो गया, बहुत अच्छे रिवाइव कर देगा वो। मैंने ग्लू वॉल भी नहीं ली थी, चलो एक को नॉक कर दिया उन्हें। दो दो ग्लू वॉल मिल गया है, कुछ हुआ कुछ अपडेट हो गया मेरा अपग्रेड। वन वर्सेस वन है, और पता नहीं इनका चौथा प्लेयर कहाँ पर छुपा होगा। ओके सामने से आता दिख गया, गोली पड़ी उसे थोड़ी सी। ये MP5 बहुत सही है शॉर्ट रेंज में, तो बहुत ही अच्छी है MP5। और मैंने ग्लूवर उठा लिए बहुत सारे, फ़ायदा क्या उठाने का, लेकिन लगती तो है नहीं। तो 3-4 से राउंड में आगे हो गए हम, और ये लास्ट राउंड है। सेटअप तो मेरा ठीक है इस वाले मैप के लिए, अगेन लंबा मैप है। वैसे दो स्नाइपर खेल सकता हूँ मैं, लेकिन पैसे भी पड़े हैं, बट वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक शॉट मिस किया तो आप शॉर्ट रेंज में दो स्नाइपर चलाना बहुत मुश्किल होता है। लॉन्ग रेंज में तो आप डोमिनेट ही कर जाओगे। लेकिन कोई नहीं आ रहा। ओके नॉक कर दिया एक प्लेयर को। रिवाइव हो गया दैट नॉक्ड प्लेयर। वो मिस कर दिया। कोई नहीं साइड से चले जाता हूँ।
घर के अंदर ही। अच्छा उसने मेरे प्लेयर को नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया, ये चीज़ ठीक करी है। कोई नहीं मैं भी नॉक कर देता हूँ। अरे बच गया, बुरा बुरा, एक प्लेयर को नॉक कर दिया मैंने। दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर दिया, एक प्लेयर को। मेरा एक प्लेयर बिल्डिंग की छत पर चढ़ा हुआ है आई थिंक, और उसने भी एक प्लेयर को फिनिश कर दिया है। ऊपर लड़ाई चल रही है, सपोर्ट में जाऊं या नहीं जाऊं? आई थिंक इसको रिवाइव करना चाहिए मुझे। वो फिनिश हो गया मेरा प्लेयर, ऊपर ऊपर वाला प्लेयर भी नॉक हो चुका है। फिनिश हो गया मेरा प्लेयर, ऊपर वाला प्लेयर लड़ रहा है। ओ फक, मुझे ऊपर वाले प्लेयर के पास ही जाना चाहिए था पहले सपोर्ट में, बट अब वो भी नॉक हो गया। कोई नहीं, यहाँ पे वेट करता हूँ मैं। अब जोन तो आ ही रहा है, जोन ही मार देगा इसे तो। वेट करना बेस्ट है यहाँ पे अब तो। अगर बिल्डिंग के अंदर रश करूँगा तो फालतू में वो अब मुझे मारेगा, क्योंकि उसके पास अब स्टेयर्स के बगल में काम कर रहा होगा वो बंदूक लेके। और ये नीचे कूदा एज एक्सपेक्टेड और मार दिया मैंने इसे। तो ये राउंड हम जीत गए 4-2 से, और तो ये राउंड हम जीत गए गाइस 4-2 से, और मैंने लिया आई थिंक 12 किल, 10 या 12 किल लिए होंगे। हाँ 12 किल लिए हैं और 4700 डैमेज। तो कैसा लगा आपको ये गेम प्ले ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।